नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देखें टेक्निकल आस्था। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाटा कंपनी का एक फॉर्मल लेदर शू, जिसे आप फॉर्मल ट्राउजर के साथ भी पहन सकते हैं और जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। और ये जो शू है इसका जो मॉडल नेम है वो है आपका रेमो, और इसे मैंने मंगवाया है amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 899 रुपीज। चलिए बॉक्स देखने में ऐसा है, इस तरफ बाटा रेमो लिखा हुआ है, इस तरफ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस तरफ बाटा रेमो लिखा हुआ है और यहाँ पे साइज वगैरह दिया गया है। मतलब इस शू को बाटा मार्केट कर रहा है, और ये जो शू है इसको बनाया गया है गाइड फुटवेयर कंपनी, जो है आपका उत्तर प्रदेश आगरा में, और यहाँ पे प्राइस भी दिया गया है वो है आपका 899 रुपीज, और साइज मैंने 7 नंबर मंगवाया है, और यहाँ पे कस्टमर सर्विस नंबर भी दिया गया है, आप चाहे तो उसमें फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आपका www.bata.in। तो चलिए बॉक्स को खोल के दिखाता हूँ, रैपर में बाटा लिखा हुआ है, स्टिकर इसमें लगा हुआ था, ये है बाटा का शू। शू काफी हल्का है, और यहाँ पे जो सोल दिया गया है वो रबर का सोल है लेकिन हार्ड है। सोल जो है वो फ्लैट बेस में दिया गया है, फिर भी इसमें आपको हाई मिल जाएंगे, 1 इंच का हाई आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, और ये भी ऐसा ही है। सोल का पैटर्न देखिए, सोल का पैटर्न चेंज होता रहता है, और सोल का जो पैटर्न है वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो पैटर्न इस तरह का है, फ्लैट है, और इसमें आपको 1 इंच का हाइट मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए स्टिचिंग दिया गया है, और यहाँ पे आपको बाटा लिखा गया है। आउटर मटेरियल जो है वो लेदर का बना हुआ है, आपका आउटर मटेरियल लेदर का बना हुआ है। चलिए इसका वेट भी देख लेता हूँ कितना है। शू जैसे काफी हल्का है, दोनों शूज का वेट मैं मेजर करके दिखाता हूं। एक शूज का वेट जो है वो है आपका 350 ग्राम, दोनों शूज मिलाएंगे तो 600-700 का वेट है आपका, 350 ग्राम का एक शूज का वेट है। दोनों शूज का वेट मैं मेजर करके दिखाता हूँ आपको, 705 ग्राम दोनों शूज का, और हाई जो है आपको 1 इंच का हाइट मिल जाता है, पूरा 1 इंच का हाइट आपको मिल जाता है पीछे की तरफ। जो आउटर मटेरियल है उसमें तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, लेकिन ये जो लेदर है इसमें जो लेदर का जो कलर है कोटिंग दिया गया है ब्लैक कलर का फास्ट कोटिंग, क्योंकि पानी गिरने के बाद ये जो कोटिंग है ये निकल जाएगा, आपको पॉलिश करना पड़ेगा, तब लेदर का जो ओरिजिनल लुक है वो आपको देखने को मिलेंगे। लेदर का जो फास्ट कोटिंग कलर है वही दिया गया है, अगर ब्राउन शूज होता है तो ब्राउन कोटिंग कलर दिया जाता है, और ब्लैक कलर होगा तो ब्लैक कोटिंग कलर पहले दिया जाता है। ये आपका स्लीप है, स्लीप में दो फॉर्म दिया गया है, ये नीचे वाला फॉर्म है, और ऊपर वाला फॉर्म का साथ लेदर को पेस्ट किया गया है और स्टिच भी किया गया है साइड से। और इसका अगर आप लेदर जानना चाहेंगे कि लेदर ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि अभी ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि लेदर का पीछे में भी आपका और एक लेदर का पीछे में भी और एक लेदर स्टिचिंग किया गया है, और अगर आप अंदर से देखेंगे, अगर मैं अंदर से देखना चाहता हूँ यहाँ पे, तो लेदर का नीचे में एक सॉफ्ट क्लोथ जो है वो पेस्ट किया गया है, ताकि आपको ये जो शूज़ है पहनने में काफ़ी कंफर्ट लगे, इसीलिए लेदर के नीचे में एक अलग सा क्लोथ है उसको पेस्ट किया गया है, लेकिन लेदर जो है आउटर मटेरियल वो आपका लेदर का ही है।
तो वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं इसको जीन्स का साथ और आपका फॉर्मल क्लोथ का साथ पहन के दिखाऊंगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. Sound right, boy.